तो दोस्तों अभी ट्रियम कंपनी का एक एडवेंचर टूरिंग वाले बाइक का जो एक कॉन्सेप्ट डिजाइन है ना, तो वो अभी कुछ सामने आया है। वैसे तो ये जो कॉन्सेप्ट डिजाइन जिन्होंने किया है ना, तो ये एक थर्ड पार्टी है, लेकिन जो भी है फिर भी ये जो ट्रियम कंपनी का जो ये 400cc के अंदर का ये जो न्यू एक एडवेंचर टूरिंग वाला बाइक को जो मतलब जिस तरीके से दर्शाया गया है ना, तो वो आपको तो भाई डिटेल में बता ही दूंगा इसी वीडियो के अंदर। तो वीडियो को पूरा देखते रहना, शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो दोस्तों भी कुछ ही समय पहले ना ट्रियम कंपनी का एक 400cc के ही अंदर आने वाला एक एडवेंचर टूरिंग वाले बाइक का जो एक कॉन्सेप्ट डिजाइन है, तो वो अभी कुछ सामने आया है। वैसे तो दोस्तों मैं आपको ये पहले ही बता दूं कि ये जो एडवेंचर टूरिंग वाला जो ये बाइक का एक कॉन्सेप्ट डिजाइन जो है ना, तो इसको भाई एक थर्ड पार्टी ने बनाया है, मतलब कि ये ट्रियम कंपनी का जो ऑफिशियल कुछ जो वेबसाइट है या फिर जो पेज है तो उनकी तरफ से देखने को नहीं मिला है। लेकिन फिर भी ये जो डिजाइन है ना, तो ये 400cc वाले कैटेगरी के अंदर बेस करके बनाया गया है या फिर 400cc कैटेगरी को देखते हुए बनाया गया है, जो कि भाई एक अपने आप में ही काफी ज्यादा भाई बेहतरीन तो है ही। और इसके अलावा भाई जिन्होंने ये डिजाइन किया है ना, तो ये भाई काफी ज्यादा सच में ही बेहतरीन लग रहा है ये साइड से देखने में। बाकी तो ये जो ट्रियम कंपनी का ये जो 400cc वाला इंजन है ना, तो इसको भाई आज से पहले भी आप लोग देख चुके हो स्पीड 400 और स्क्रैम्बलर 400X वाले मॉडल के अंदर, जो कि भाई एक मतलब अपने आप में ही काफी ज्यादा बढ़िया तो वो जो बाइक्स है तो वो तो है ही, और उनके अंदर जो इंजन है तो वो भी काफी ज्यादा बढ़िया है, जिसको देखते हुए ही इस वाले बाइक के अंदर ये जो इंजन है तो उसको भाई डिजाइन किया गया है, मतलब कॉन्सेप्ट डिजाइन जो है तो वही कुछ किया गया है। वैसे तो ये जो इंजन है ना, तो ये एक सिंगल सिलेंडर वाला लिक्विड कूल इंजन है, 400cc वाला DOHC 4 वाल्व वाला, और ये जो इंजन मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है ना, तो वो है 40 BHP पर ये वाला इंजन जो मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करता है, तो वो है 37 Nm। बाकी तो भाई ये जो इंजन है ना, तो ये 6-speed के गियरबॉक्स के साथ में ही आता है। तो जो भी है, लेकिन है ये जो कॉन्सेप्ट डिजाइन है ना, तो इसके बारे में अगर मैं बताऊं, देखो दोस्तों बात कुछ ऐसा है कि ये जो कॉन्सेप्ट डिजाइन जिन्होंने बनाया है ना, तो ये भाई बखूबी से बनाया है, जिसको भाई अभी आप लोग देख ही सकते होंगे वीडियो के अंदर। वैसे तो ये जो एडवेंचर टूरिंग वाले बाइक है ना, तो इसको भाई अगर सच बताऊं तो एक ये जो ट्रैम कंपनी है, तो इनको भाई कहीं ना कहीं एक नीड है इस इंडियन मार्केट में भी और इंटरनेशनल मार्केट में भी। और ये जो नीड वाला बात है ना, तो ये मैं बोल इसीलिए रहा हूं क्योंकि भाई देखो अभी ना ये जो ट्रियम कंपनी है, तो इन्होंने एक स्क्रैम्बलर नाम से जो है तो एक बाइक तो उन्होंने वो लॉन्च किया है X400 नाम से या फिर 400X नाम से, जो कि भाई देखते मुझे कुछ ऐसा ही लग रहा है कि ये जो ट्रियम कंपनी है ना, तो इनको भाई कहीं ना कहीं एक एडवेंचर टूरिंग वाला जो बाइक है तो उसका नीड है। और देखो गाइस अभी के रेट में यही कुछ सीन है कि ये जो न्यू कॉन्सेप्ट डिजाइन जो सामने आया है ना, तो इसके अंदर वैसे तो इस वाले बाइक का जो ये सामने का जो मडगार्ड है तो वो तो भाई सही है ही अपने जगह पर, लेकिन भाई इस वाले बाइक का जो ये सामने का चोंच है, मतलब कि ये जो फेंडर है, तो ये भी भाई काफी ज्यादा बढ़िया तो मुझे लगता ही है किसी भी एक एडवेंचर टूरिंग वाले बाइक के साथ में। और इसके अलावा ये भी कुछ सीन है कि इस वाले बाइक के अंदर ना भाई देख ही सकते होंगे जो ये टेल सेक्शन है, तो ये बहुत ज्यादा क्लीन रखा गया है भाई जिन्होंने ये डिजाइन किया है तो उनके तरफ से। और इसके अलावा ये भी है कि इस वाले बाइक के अंदर ना आपको देखने को मिलेगा ये जो टैंक वाला पोर्शन, तो इसके भी अंदर भाई शानदार सा कटआउट जो है तो वो देखने को मिल रहा है डिजाइनर के तरफ से। और इसके ही साथ इस वाले बाइक का ही ये जो हेडलाइट वाला पार्ट है ना, तो इसको भाई सामने से तो नहीं दिखा गया है, या फिर मतलब इस वाले बाइक का जो एंगल है तो वो कुछ इस तरीके से ही दिया गया है कि भाई ये सिर्फ मतलब साइड वाला जो पोर्शन है तो उसको ही दिखा जा रहा है, तो इस वजह से भाई हेडलाइट वाला पार्ट किस तरीके से डिजाइन किया गया है तो भाई ये तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। लेकिन जो भी है भाई, एक तो सीन ऐसा है कि देखो ये जो बाइक है ना, तो ये अगर रियल लाइफ में भी आता है तो उसके अंदर भी कुछ इस तरीके का ही डिजाइन जो है तो वो कुछ देखने को मिलेगा। और वैसे भी ये जो ट्रियम कंपनी है ना, तो इनके तरफ से भाई ये एडवेंचर टूरिंग वाला जो बाइक जितना भी जो भी कुछ आता है तो उनका नाम लगभग वो टाइगर नाम से ही आता है, तो इसी वजह से मुझे कुछ ऐसे ही लग रहा है कि अगर ट्रियम कंपनी अगर सच में ही फ्यूचर में कभी ये एडवेंचर टूरिंग वाला बाइक जब लॉन्च करेगा, उसका जो नाम है ना, तो वो तब कुछ टाइगर 400 जो है तो वो कुछ उस तरीके से रहेगा। और इसके अलावा ये भी कुछ सीन है कि जब फ्यूचर में ट्रियम कंपनी एक एडवेंचर टूरिंग वाला बाइक जब लॉन्च करेगा 400cc कैटेगरी के अंदर, तो उसके भी अंदर आपको जो लाइट्स का सेटअप है ना, तो वो लगभग सारा ही जो है तो वो LED के अंदर देखने को मिलेगा। और इसके अलावा उस वाले बाइक में भी आपको ब्रेकिंग सिस्टम में डिस्क ब्रेक के साथ में डुअल चैनल ABS का जो ऑप्शन है तो वही सारा कुछ चीजें देखने को मिलेगा। और इसके अलावा हाँ भाई, इसी कॉन्सेप्ट वाले मॉडल के अंदर जो कि मैंने बोलना भूल गया, तो वो है कि इस वाले मॉडल के भी अंदर आपको देखने को मिल रहा है दिया हुआ डिजाइनर की तरफ से
सामने यूएसडी फोक्स और पीछे आपको देखने को मिलेगा मोनोशॉक एब्सॉर्बर और उसके ही ससती है एक एडवेंचर टूरिंग वाला बाइक है, तो इसी वजह से इस वाले बाइक के भी सामने देख ही सकते होंगे बड़ा सा विंड ब्लास्ट प्रोटेक्टर जो है तो वो कुछ लगाया हुआ है और उसके ही ससत हैंडल के भी अंदर जैसे कि देख ही सकते होंगे जो क्लच लीवर और ब्रेक लीवर प्रोटेक्टर है ना तो ये भी कुछ दिया गया है। बाकी देखने वाला बात तो कुछ यही होगा कि ये जो ट्रियम कंपनी है तो ये कब तक अपना ये जो एडवेंचर टूरिंग वाला जो बाइक है या फिर टाइगर 400 वाला जो बाइक है तो वो कब तक लॉन्च करता है या फिर कब तक बनाता है। तो ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट में बोल दो भाई, और अगर ये वाला वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए जाना। और सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोलता हूँ क्योंकि सब्सक्राइब करने से आप लोग ऐसे ही तरीके का और भी कई सारे कुछ वीडियो हर दिन देख सकते हो इस वाले चैनल पर। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, अगली बार फिर से मुलाकात होगा दोबारा। थैंक यू गाइस।